हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फिजिक्स क्लास स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेंशन न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेंशन में स्टूडेंट्स इसको यूज करते हैं हम ए, समझने के लिए न्यूमेरिकल में आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसका काफी यूज आएगा ठीक है अब इसमें न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेंशन में समझ लो ये आपके सामने ये कॉन्केव मिरर रखा हुआ है ठीक है ये इसका क्या कहते हैं पॉलिश सर्फेस एरिया है और ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है अब ये तो आप लोग जानते हो सेंटर ऑफ क्रिएचर ये फोकल लेंथ और ये आपका हो गया पोल ठीक है ये मिरर का एन पोल है और ये मिरर का एम पोल है ओके ये इधर अंदर का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऊपर का जो है वो पॉलिस सरफेस एरिया है और ये न्यू कन्वेंशन साइन न्यू कार्टिशियन साइन कन्वेक्शन में ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड ठीक है लेफ्ट साइड जो है आपका वो रिफ्लेक्टिंग है और राइट right साइड ये इधर है जिधर की इमेज बनेगी आपकी ठीक है ना अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले मान लो ये एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है ठीक है जिसका की डायरेक्शन इस तरीके से इमेज जो लाइट रेस की जाएगी इस तरी लेफ्ट टू राइट जाएगी लेफ्ट टू अगर राइट right जाती है तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा इसकी वैल्यू जो भी होगी वो क्या होगी पॉजिटिव में होगी और वही अगर आपका क्या कहते हैं एक और इमेज रे रे इमेज आ रहा है जो कि राइट टू लेफ्ट है तो इस इसकी वैल्यू क्या होगी निगेटिव में होगी ठीक है और अगर ये क्या कहते हैं आपका जैसे ये ऊपर है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर में डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का है तो वो पॉजिटिव में होगा और यही अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के नीचे डाउनवर्ड अगर है कोई रेज आ रही है तो वो क्या होगा निगेटिव में होगा तो ये था आपका न्यू कार्टिशन साइन कन्वेक्शन अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आपका है मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला तो इससे पहले भी आपको बताया मैंने फिर से एक बार आप देख लो वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यूजन एफ इसको आपने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा होगा इस मिरर फॉर्मूले को तो यहाँ पे v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस है u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f जो है वो फोकल लेंथ है ठीक है ना स्टूडेंट्स तो मिरर फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लेना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अदर वन इज मैग्निफिकेशन ऑफ स्पैरकल मिरर वॉट इज मैग्निफिकेशन ऑफ स्पैरकल मिरर इट इज द रेसियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके और यह क्या होता है स्मॉल एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ओके हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज जो है आपका एच डैश एच डैश से डिनोट करते हैं ठीक है ना एच डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एच ये स्मॉल एच डैश और ये स्मॉल एच अब यहाँ पे क्या है कैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम इज्कल टू माइनस वी अपॉन यू है ना अब माइनस वी क्या था आपका माइनस वी आपका था वो सॉरी वी क्या था वी था आपका इमेज डिस्टेंस है ये ये क्या है ये इमेज डिस्टेंस है और यू जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है है ना ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस और ये एच क्या है हाइट ऑफ इमेज है एच डैश सॉरी स्मॉल एच डैश क्या है हाइट ऑफ इमेज और खाली स्मॉल एच है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो इतना आपको क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे थैंक यू एंड हैव नाइस डे